नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। सांदीपनी प्रीमियर लीग SPL 2023 ला विद्यार्थ्यांचा जोरदार प्रतिसाद। श्री सांदीपनी अकॅडमीच्या वतीने सांदीपनी प्रीमियर लीग SPL 2023 चे आयोजन करण्यात आले आहे। दिनांक 24 आणि 26 ऑगस्ट 2023 या दरम्यान ही प्रतियोगिता श्री सांदीपनी अकॅडमी कोहिनूर मंगल कार्यालयाजवळ एकविरा चौक अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आली आहे। गुरुवार दिनांक 24 ऑगस्ट 2023 रोजी या स्पर्धेचे उद्घाटन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बालराजू सर यांच्या हस्ते करण्यात आले। याप्रसंगी सर्व शिक्षक, स्टाफ आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। सांदीपनी प्रीमियर लीग SPL 2023 चे हे पहिलेच वर्ष आहे। विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच शारीरिक, सामाजिक आणि सर्वांगीण विकास व्हावा हाच यामागचा उद्देश असल्याचे बालराजू सर यांनी सांगितले। शिक्षणाबरोबरच संस्कार आणि सर्वांगीण विकास या गोष्टींवर श्री सांदीपनी अकॅडमीचा नेहमीच भर असतो। SPL 2023 या स्पर्धेत 11वी आणि 12वीमध्ये शिकणाऱ्या JEE आणि NEET 20 विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपने सहभाग घेतला आहे। या स्पर्धेत ग्रुप क्विज, पेपर प्रेझेंटेशन अँड रिटर्न क्विज या 3 गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे। या स्पर्धेचा निकाल 3 सप्टेंबर 2023 रोजी लागणार असून सर्व विजयी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी बक्षिसे आणि ट्रॉफी देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे। या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचे प्रेझेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेझेन्स स्किल्स अँड प्रेझेन्स ऑफ माइंड या गोष्टींचा प्रामुख्याने कस लागणार आहे। विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी श्री सांदीपनी अकॅडमी नेहमीच कटिबद्ध आहे। त्यासाठीच अनेक नवनवीन उपक्रम राबविले जातात। आता सांदीपनी प्रीमियर लीग SPL 2023 मुळे आणखी एका गोष्टीची भर पडत आहे। सध्या SPL 2023 ची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू असून सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षक, स्टाफ या स्पर्धेसाठी मोठे उत्सुक आहेत। सांदीपनी प्रीमियर लीग, तो सांदीपनी प्रीमियर लीग बेसिकली क्या है? ये हमने जैसा IPL हो रहा होता है वैसा हमने SPL रखा है। तो इसमें क्या होता है, सांदीपनी प्रीमियर लीग बच्चों का मोटिवेट करते हैं पढ़ाई करने के लिए। टेंडेंसी क्या है कि 2 साल के बाद एग्जामिनेशन है, तो इन जनरल ह्यूमन ब्रेन ऐसा काम करता है कि जब एग्जाम होता है उसके पहले ही टेंशन आता है, उसके पहले हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फटाफट ग्रैस्पिंग चालू हो जाता है। उससे पहले क्या मानसिकता रहती है कि अरे 2 साल के बाद एग्जाम है ना, 1 साल है ना, तो इंटेंसिटी नहीं आता है, भले ही बैठे पर इंटेंसिटी नहीं आएगा। तो बच्चों के अंदर वो मानसिकता बनाने के लिए, इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए हम SPL कंडक्ट करते हैं। हर 3 महीने में एक बार हमने प्लान किया इस साल से, ताकि 3 महीने उनको पहले सिलेबस दे देते हैं कि सिलेबस में SPL आने वाला है, क्वेश्चन आने वाले हैं, क्विज कॉन्टेस्ट अरेंज करते हैं, प्रेजेंटेशन अरेंज करते हैं, रिटर्न एग्जाम अरेंज करते हैं अलग अलग, और कॉम्पिटिशन के माध्यम से बच्चों को कैश प्राइजेस, ट्रॉफीज वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं हमारी ओर से। तो इससे क्या होता है, बच्चे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना आजकल बच्चों के अंदर, भले ही एग्जाम तो बहुत दूर है पर आज तो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में जीतना है, पार्टिसिपेट करना है, ये स्पिरिट से वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका पढ़ाई करने का माहौल क्रिएट हो जाता है और उनकी इंटेंसिटी पढ़ाई की जो है बढ़ जाती है, और इस माध्यम से बच्चे जो है फाइनल एग्जाम की तैयारी अपने आप उनकी हो जाए। तो उनको तैयारी और बेहतर बनाने के लिए हमारा उद्देश्य ये करना। और दूसरी बात कैसा है, तो सिर्फ पढ़ाई 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 जो रेगुलर पैटर्न है वैसे करेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। थोड़ा फन एलिमेंट भी होना चाहिए, पढ़ाई करेंगे पर हमने पढ़ाई को गेमिफिकेशन कर दिया है, गेम्स के थोड़ा फन के माध्यम से, गेम के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है और याद रहता है और बच्चों को भी मज़ा आता है, थोड़ा चेंज वंस इन क्वार्टर है ना। और सारे साल ऐसे कुछ बच्चों को हम मौका देते हैं प्रेजेंटेशंस देने के लिए, तो प्रेजेंटेशन से क्या होता है उनका पर्सनल डेवलपमेंट होता है खुद का, है ना, अदरवाइज पढ़ाई कीड़े बन जाएंगे परंतु उनको किसी सामने बैठ के कड़ा को बोलना कुछ बोल नहीं सकते हैं। एंड एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि एग्जाम फियर, डर होता है एग्जाम का, वो डर निकालने के लिए हमने प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलते हैं, ताकि जब सबके सामने आके प्रेजेंट करना पड़ता है तो जो फियर है अंदर ना जो ब्लॉक कर देता है उनको, तो बहुत बच्चे बोलते हैं ना अरे एग्जाम में ब्लॉक हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब पढ़ गया एग्जाम कुछ याद नहीं आ रहा है, ये फियर की वजह से। तो फियर को रिमूव करने के लिए हम एक्टिविटीज कराते हैं उनसे, ताकि उससे उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये फियर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य सारे इवेंट के माध्यम से कि हमारे बच्चों को हम बेहतर बनाएं, उनका पर्सनैलिटी डेवलप करें, अलॉन्ग विद जो पढ़ाई वढ़ाई है वो तो बेस्ट करवाना है, साथ में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट उनका हो जाए। ये उद्देश्य से हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं और हमारी ओर से बच्चों को प्राइजेस सब कुछ भी हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जो ये इवेंट हमारे बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कंडक्ट किया था एंड वी हैड लॉट ऑफ फन. हमारा स्टडी भी बहुत अच्छे से हुआ. सो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड इवन एवरीवन वर्क हार्ड फॉर दिस प्रोग्राम. सो जस्ट लव दिस. थैंक यू. सो आज की डेट 24 अगस्त 2023 बालरसर हैज़ कंडक्टेड द SPL फॉर आर चिल्ड्रंस फॉर देयर एजुकेशन पर्पज. सो दे मीन दैट कि यू शुड डू स्टडीज एज वेल एज द गेम्स. दे हैव बीन कंडक्टेड द मिनी मिनी गेम्स इन बिटवीन एज वेल एज द स्टडीज. वी हैव डन द स्टडीज एंड दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट ओनली. सो आई जस्ट फेल रियली गुड टू बीन द पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड आई रियली रिक्वेस्ट टू एवरी वन यू शुड पार्टिसिपेट दिस अबाउट दिस मोर प्रोग्राम्स. प्रतिनिधि अजहर सैयद, नगर न्यूज 24, अहमदनगर. नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा.